आखिर किस पर खोया करण जौहर ने आपा? निर्माता बोले, सर्जरी करवाने से फितरत नहीं बदलती। करण जौहर ने खोले इंडस्ट्री के राज। बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशक करण जौहर आए दिन ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं, कभी उन्हें नेपोटिज्म के मुद्दे पर, तो कभी उन्हें उनके सेक्सुअलिटी की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर घेरा जाता है, कभी खुशी कभी गम। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के डायरेक्टर करण जौहर के फैशन सेंस का भी कई यूजर सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाते हैं। हालांकि ज्यादातर समय करण जौहर चुप ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। करण हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना आपा खोते हुए नजर आए। उन्होंने गुस्से में इंडस्ट्री का ऐसा राज खोल दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की खूबसूरती अक्सर आम लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कोई भी स्टार इतना परफेक्ट कैसे दिखता है। हालांकि समय समय पर जैसे एक्ट्रेसेस के चेहरे या बॉडी में बदलाव आता है, तो लोग उन पर प्लास्टिक सर्जरी और फिलर जैसी चीजें करवाने का आरोप लगाते हैं। अब हाल ही में करण जौहर ने खुद ही ये राज खोल दिया है। उन्होंने अपनी आधिकारिक इंस्टा स्टोरी पर लिखा, फिलर लगा लो फुलफिलमेंट नहीं मिलती, मेकअप लगा लो उम्र नहीं घटती, कर लो जितना भी बोटॉक्स लगाओ जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, नाक बदलने से गंधित्र नहीं बदलती, सर्जरी करवाने से बाहरी शरीर भले ही बदल भी जाए लेकिन मेरी जान फितरत नहीं बदलती। अब करण का ये किसी फिल्म स्टार पर ताना है या फिर किसी फिल्म का प्रमोशन है, इसका अंदाजा लगाना तो वाकई मुश्किल है। उनके प्रोडक्शन में बनी लास्ट सीरीज फिल्म योद्धा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके अलावा करण जौहर इन दिनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाईआर टॉक को भी सब्सक्राइब करें।